आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत भगवंत मान पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के 3 दिन बाद बड़े पैमाने पर रोड शो का नेतृत्व कर रहे हैं, जो अमृतसर में शुरू हो गया है। हाथ में तिरंगा और आपका झंडा लिए सड़क पर उतरे आप कार्यकर्ता और समर्थक आपके वरिष्ठ नेतृत्व की झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में सामने आए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री नामित भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने जलियांवाला बाग स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले दोनों ने 91 विजयी आप विधायक के साथ पहली बार स्वर्ण मंदिर का दौरा किया और अरदास की। उन्होंने दुर्गियाना मंदिर का भी दौरा किया, उसके बाद राम तीर्थ स्थल भी गए। हेरिटेज स्ट्रीट से वापस आते समय गुरु ग्रंथ साहिब के 328 सरोकों की जवाबदेही की मांग को लेकर SGPC के खिलाफ लगातार धरना दे रहे सिख कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल और मान के काफिले के गुजरने पर अपनी नाराजगी के पोस्टर दिखाए। मान ने दिन में कहा, पंजाब के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए हम गुरु साहिब का आशीर्वाद लेंगे। हमारे राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल लोगों को धन्यवाद देने के लिए आज अमृतसर आ रहे हैं। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 16 मार्च को महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कलाम में होगा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव में 92 सीटों के साथ शानदार जीत दर्ज की है, जिससे उसके अधिकांश प्रतिद्वंदी हाशिए पर चले गए। 117 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस ने 18 सीटों पर जीत हासिल की।